गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मल्टी स्टेज कंप्रेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एयर कंप्रेसर। दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट 4। द सब्जेक्ट नेम इज थर्मल इंजीनियरिंग एज द गैस डायनेमिक्स, सेमेस्टर 6। दिस इज द आउटलाइन ऑफ द टुडे लेक्चर। मल्टी स्टेज कंप्रेशन, टू स्टेज कंप्रेशन विदाउट इंटरकूलिंग, टू स्टेज कंप्रेशन विथ इंटरकूलिंग, परफॉर्मेंस ऑफ एयर कंप्रेशन, हाउ टू इंक्रीज आइसोथर्मल एफिशिएंसी। दीज आर द कंटेंट और आउटलाइन ऑफ द टुडे लेक्चर। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। व्हाई आर नेसेसरी फॉर द मल्टी स्टेज। देयर आर द सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन रहते हैं जिसकी वजह से मल्टी स्टेज की जरूरत पड़ती है। हाई प्रेशर रिक्वायर्ड। देयर इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर द मल्टी स्टेज अडॉप्टिंग, कि हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट रहती है सिंगल स्टेज में, जिसके कारण से कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उसके कारण से अपने को रिक्वायरिंग द हैवी वर्किंग पार्ट्स, बहुत बड़े पार्ट्स की जरूरत पड़ सकती है, बहुत बड़े सिलेंडर पिस्टन की जरूरत पड़ सकती है, हैज टू एकोमोडेट हाई प्रेशर रेशियो। उसके लिए अपने को प्रेशर रेशियो को एकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। इंक्रीज बैलेंसिंग प्रॉब्लम, एक बैलेंसिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हाई टॉर्क फ्लक्चुएशंस जो है बहुत ज़्यादा रहता है। हैवी फ्लाईव्हील इंस्टॉलेशन, तो अपने को फ्लाईव्हील भी बहुत बड़ा चाहिए पड़ेगा यदि बैलेंसिंग प्रॉब्लम को अपने को रिमूव करना है। तो ये कारण है जिसकी वजह से कि अपन सिंगल स्टेज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, इनकी वजह से हमें मल्टी स्टेज की तरफ मूव करना पड़ता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टी स्टेज, जहाँ की तीन स्टेज को दिखाया गया है। LP मीन्स द लो प्रेशर सिलेंडर, IP मीन्स द इंटरमीडिएट सिलेंडर, HP मीन्स द हाई प्रेशर सिलेंडर। तो तीन तरह के आप यहाँ पे देख रहे हैं जो है वो सिलेंडर है। एक आपका लो प्रेशर सिलेंडर है, एक इंटरमीडिएट सिलेंडर है, एक हाई प्रेशर सिलेंडर है। तो एयर इज कमिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक साइड, यहाँ एटमॉस्फेरिक साइड से एयर अंदर आएगी। LP सिलेंडर में उसका कंप्रेशन होगा, प्रेशर और टेम्परेचर बिल्डअप होगा, वॉल्यूम उसका कम होता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ से निकलने के बाद जो एयर रहती है उसको इंटरकूलर में भेजते हैं। इन द प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की हमें हाई टेम्परेचर की एयर को इंटरमीडिएट सिलेंडर या HP सिलेंडर पे नहीं भेजना है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने के साथ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हाई टेम्परेचर की एयर को हम यहाँ पे ले आके नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें इंटरकूलिंग करनी पड़ती है। इंटरकूलिंग में वहाँ पे टेम्परेचर हम ओरिजिनल टेम्परेचर के बराबर लाने की कोशिश करते हैं, और फिर से उसी टेम्परेचर पे हम उसको एयर को फिर से यहाँ पे कंप्रेस कराते हैं ताकि उसका प्रेशर बढ़ सके। इसी तरीके से दिस इज द फर्स्ट इंटरकूलर एंड दिस इज द सेकेंड इंटरकूलर, की इंटरमीडिएट सिलेंडर से हाई प्रेशर सिलेंडर पे जब जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करना है उसके लिए हम चाहते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू कम रहे या बराबर रहे। तो आपके पास यहाँ पे इंटरकूलर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इन बिटवीन ऑफ द सिलेंडर किया जा रहा है। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द मल्टी स्टेज कंप्रेसर। This is the multi-stage PV diagram in which the clearance volume is considered zero. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, clearance volume जो है पूरी तरीके से zero है, क्योंकि diagram आप देख रहे हैं ये पूरा attach है, ठीक है ना। जब diagram attach है तो ये जो line है आप देख रहे हैं 1 to 2, this is the low pressure compression. तो यहाँ पे LP सिलेंडर में कंप्रेशन हो रहा है जो कि PV=C को फॉलो कर रहा है, आइसोथर्मल, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि परफेक्ट इंटरकूलिंग हो रही है। ये परफेक्ट इंटरकूलिंग उसको करता है कि हम वहाँ पे परफेक्ट इंटरकूलिंग करा रहे हैं, ऐसा एक्चुअल केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका कंप्रेशन है विदाउट इंटरकूलिंग जो है, या बोलना चाहिए कि परफेक्ट इंटरकूलिंग नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। तो 1 to 4 जो है आपका जो कंप्रेशन है वो आपका पॉलीट्रॉपिकली हो रहा है। देन मूव टू द अनदर वन, कि आपका जो कंप्रेशन है यहाँ पे फर्दर कर रहे हैं आफ्टर द इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग इट इज डन इन बिटवीन ऑफ द 4 to 2, यहाँ पे इंटरकूलिंग जो हो रही है 4 to 2 हो रही है। तो देयर इज अ इंटेक प्रेशर P1 और सक्शन प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर जहाँ की इंटरकूलिंग हो रही है, और डिलीवरी प्रेशर जहाँ की आफ्टर द इंटरकूलिंग सेकेंड स्टेज में कंप्रेशन करने के बाद एयर को हम डिलीवरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो विदाउट इंटरकूलिंग यदि आप देखेंगे तो लो प्रेशर सिलेंडर की जो साइकिल है वो 8147 है, विदाउट इंटरकूलिंग,
और एचपी सिलेंडर के लिए आप देखेंगे तो 7456 है। सिमिलरली विथ इंटरकूलिंग की यदि बात करेंगे तो लो प्रेशर सिलेंडर में 8147 है जो एज यूजुअल था पहले से, और एचपी सिलेंडर की बात करेंगे तो यहाँ पे विथ इंटरकूलिंग 7236 है। तो ये 7236 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विथ इंटरकूलिंग के साथ में, विदाउट इंटरकूलिंग में 7456 था। क्यों था 7456? क्योंकि यहाँ पे इंटरकूलिंग को अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। अब इंटरकूलिंग को अडॉप्ट किया तो यहाँ पे जो प्रोसेस थी वो टू टू पे चले गए, इंटरकूलिंग हो रही है, उसके बाद फिर से कंप्रेशन कर रहे हैं हाई प्रेशर सिलेंडर में। तो हाई प्रेशर सिलेंडर में यदि कंप्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटरकूलिंग हो रही है। अब इंटरकूलिंग दो तरीके से होती है, एक परफेक्ट इंटरकूलिंग होती है और दूसरी इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग होती है। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग में आफ्टर द कंप्रेशन इन द एलपी सिलेंडर एयर को हम जो कूल करते हैं वो ओरिजिनल टेम्परेचर पर ले आते हैं, टेम्परेचर आपका जो T1 था उसी टेम्परेचर पर ले आते हैं बिफोर एंटरिंग ऑफ द एचपी सिलेंडर। तो T3 इज इक्वल टू, या बोलना चाहिए आफ्टर द जो भी टेम्परेचर यहाँ पर रहता है आइसोथर्मली उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं परफेक्ट इंटरकूलिंग में, तो T2 इज इक्वल टू T1 हो जाता है फॉर द सेम आइसोथर्मल लाइन के लिए। तो दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट इंटरकूलिंग, जहाँ की टेम्परेचर जो है ओरिजिनल टेम्परेचर के बराबर होता है, और ये इंटरकूलिंग बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इस तरह की इंटरकूलिंग को प्रैक्टिकली अचीव कर पाना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रीजन कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वाटर सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट है कि नहीं है। कई बार कुछ लॉसेस वगैरह होते हैं, फ्रेशर लॉसेस या फ्रैक्शनल लॉसेस होते हैं जिनकी वजह से कि हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। दिस इज द अनदर स्लाइड इन विच द वर्क डन इज शोइंग। तो यदि हम बात करेंगे कि आपका जो कंप्रेशन हो रहा है वो सिंगल स्टेज में भी हो रहा है, तो सिंगल स्टेज में भी वर्क डन होगा तो उसके लिए आपका जो वर्क डन का जो फार्मूला रहेगा वो इस तरीके से चलेगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सक्शन हो रहा है, लो प्रेशर सिलेंडर पे कंप्रेशन पहले हो रहा है, फिर इंटरकूलिंग हो रही है यहाँ पे, दिस इज द इंटरकूलिंग, एंड आफ्टर दैट सेकंड स्टेज में यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एचपी सिलेंडर कंप्रेशन। तो सिंगल स्टेज की भी बात करेंगे तो साइकिल जो रहेगी 8156 रहेगी, साइकिल का नाम क्या रहेगा 8156, और जो वर्क डन होगा इसमें अपने पास वो चूंकि प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है इसको हमने P5 का प्रेशर का नाम दिया, तो P5 डिवाइड बाई P1। कल हमने बताया था कि मल्टी स्टेज के लिए फार्मूला जो डेवलप कराया था हमने न्यूमेरिकल सेक्शन में, वो हमने इसी तरीके से बताया था कि नंबर ऑफ स्टेजेस जितनी बढ़ती जाती है उसके हिसाब से फार्मूला चेंज होता चला जाता है। तो n/n-1 ये सिंपल आपको कॉमन रहेगा, P1 B1 आपको कॉमन रहेगा, देन 1 - P5 / P1। तो P5 इज द लास्ट स्टेज कंप्रेशन जहाँ की डिलीवरी हो रही है एयर की, और आफ्टर द कंप्रेशन जो प्रेशर राइज किया था दैट इज कॉल्ड अ P5 / P1। तो P5 मच नॉट मच मोर कि आपका P5 बहुत ज्यादा प्रेशर है, P5 यहाँ पे एक नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे 0.5 है इसलिए इसका नाम दिया गया है P5, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि P5 बहुत हाईएस्ट प्रेशर है, ये सिर्फ हमने नाम दिया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे चूंकि दो स्टेज में कंप्रेशन कर रहे हैं तो 1-4 जो रहेगा वो सिंगल स्टेज कंप्रेशन आपका ये दिखाया जा रहा है कि लो प्रेशर सिलेंडर में कंप्रेशन है, उसका जो 4-2 है वो आपका इंटरकूलिंग है, एंड 2-3 जो है हाई प्रेशर सिलेंडर कंप्रेशन है। जो डिलीवरी टेम्परेचर है, आप डिलीवरी टेम्परेचर की भी बात करेंगे तो यहाँ पे आप पॉलीट्रॉपिकली रूल लगा दीजिए 1-5 के लिए, सिंगल स्टेज के लिए भी हम बात कर रहे हैं, तो T5 इज इक्वल टू T1 इनटू द ब्रैकेट ऑफ T5 / P1 टू द पावर ऑफ n-1/n। दिस इज द पॉलीट्रॉपिक रिलेशन जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा करते थे। तो सिंगल स्टेज के लिए ये आपका था कैलकुलेशन वर्क, और यदि मल्टी स्टेज के लिए आप जाएंगे तो दिस इज फॉर द मल्टी स्टेज या 2-स्टेज कंप्रेशन, जिसमें कि आपका लो स्टेज कंप्रेशन हो रहा है और आपका हाई प्रेशर कंप्रेशन हो रहा है या हाई स्टेज कंप्रेशन हो रहा है। तो विदाउट इंटरकूलिंग की भी बात करेंगे तो जो वर्क डन रहेगा दोनों स्टेज के बराबर प्लस के एडिंग करके हो रहेगा। तो पहला जो आपका यहाँ पे वर्क डन हो रहा है वो n/n-1 P1 V1 इन ब्रैकेट ऑफ 1 - P4 / P1 टू द पावर ऑफ n-1/n, ये आपका हाई स्टेज लो स्टेज के लिए मान लीजिए आप कि आपका लो प्रेशर सिलेंडर में जो वर्क डन हो रहा है, प्लस n/n-1 P4 V4 चूंकि अब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कंप्रेशन की, तो P4 V4 1 - P5 / P4 चूंकि यहाँ पे कंप्रेशन आपका हाई प्रेशर सिलेंडर पे हो रहा है इसलिए P5 / P4 टू द पावर ऑफ n-1/n होगा। तो दिस इज द
fundamental. So this is same as that of the work done in the single stage. Delivery temperature also remains the same. So without intercooling हम ये ऐसा कर रहे हैं. यदि intercooling की help लेंगे तो उसमें आपका जो formula रहता है थोड़ा सा change रहता है. तो with intercooling यदि करेंगे तो यहाँ पे आपके पास formula में थोड़ा सा changes दिख रहा है. तो जो आप देख रहे हैं LP compressor में जो आपकी जो cycle चल रही है वो आपकी है 81478. ये आपकी एलपी सिलेंडर की साइकिल का नाम हो गया. एचपी सिलेंडर की बात करेंगे तो 72367 हो जाएगा. यहाँ पे इंटरकूलिंग हो रही है. दिस इज द इंटरकूलिंग प्रोसेस 4-2. तो आफ्टर द फर्स्ट स्टेज लो प्रेशर जो कंप्रेशन आपका हो रहा है वो उसके बाद यहाँ पे आपका हाई प्रेशर सिलेंडर में जाने से पहले इंटरकूलिंग होती है. तो W is equal to N upon N minus 1 P1 V1 ये जो आप देख रहे हैं in the bracket of 1 minus of P4 by P1 in the power of N minus 1 by N. ये आपका हो जाएगा low pressure cylinder का compression work done plus N upon N minus 1 P2 V2 in the bracket of 1 minus of P3 by P2 N minus 1 upon N. ये आपका दूसरे cylinder के लिए हो जाएगा. तो ये चीजें जो है कि हम जब इंटरकूलिंग कर रहे हैं उस केस में हो रहा है. तो इंटरकूलिंग करने के हिसाब से यहाँ पे आपका जो चेंजेस हो रहा है वो इस हिसाब से हो रहा है कि हाई प्रेशर सिलेंडर में जो प्रेशर रेशियो P3 बाई P2 है और लो प्रेशर सिलेंडर में जो प्रेशर रेशियो P4 बाई P1 है. डिलीवरी टेम्परेचर जैसा कि हमने पहले निकाला था वैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं T3 इक्वल टू T2 P3 बाई P2 टू द पावर N माइनस 1 बाई N. ये आपका डिलीवरी टेम्परेचर है. किसके लिए निकलेगा डिलीवरी टेम्परेचर? पहला हाई प्रेशर सिलेंडर के लिए निकलेगा. इसी तरीके से भी आप आगे बढ़ते आएंगे चूंकि परफेक्ट इंटरकूलिंग यदि हो रही है तो टेम्परेचर T3 इज इक्वल टू T1 है या T2 इज इक्वल टू T1 टेम्परेचर है आपका यहाँ पे परफेक्ट इंटरकूलिंग के हिसाब से. तो P3 बाई P2 टू द पावर ऑफ N माइनस 1 बाई N ये आपका हो जाएगा. अब परफॉर्मेंस की यदि बात करेंगे तो परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं किसी भी कंप्रेसर की? हमने आईसी इंजन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इफिशियंसी और पावर वर्ड का इस्तेमाल किया था. इसी तरीके से कंप्रेसर की पावर परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास पावर होती है बहुत सारी. तो चूंकि कंप्रेसर हमारा तीन तरीके से कर सकते हैं, आपके पास तीन तरह की प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल होती है, आइसेंट्रॉपिक होती है और पॉलीट्रॉपिक होती है. तो आइसोथर्मल में सबसे कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है कंप्रेसर को. फिर उसके बाद बात करेंगे आइसेंट्रॉपिक में सबसे ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट रहती है और पॉलीट्रॉपिक जो रहता है इन दोनों के बीच का रहता है. तो इन बिटवीन ऑफ द आइसेंट्रॉपिक एंड द आइसोथर्मल पॉलीट्रॉपिक इज लाइज द मॉडरेट पावर रिक्वायरमेंट और ड्राइव द कंप्रेसर. तो यहाँ पे कंप्रेसर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमने जो पैरामीटर लिए हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस रहते हैं. सपोज दैट यदि आप आइसोथर्मल का प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? आइसोथर्मल वर्क डन आ जाएगा. आइसोथर्मल वर्क डन आ जाएगा. इट इज पर साइकिल. तो एरिया ऑफ पीवी डायग्राम इज इक्वल टू P1V1 नेचुरल लॉग ऑफ P2/P1. दिस इज द आइसोथर्मल वर्क डन. तो आइसोथर्मल पावर जो रहती है उसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड से मल्टीप्लाइड करेंगे और स्पीड डिवाइड बाई 60 करेंगे तो यहाँ से आपकी आइसोथर्मल पावर निकल के आ जाएगी. सिमिलरली इंडिकेटेड पावर की बात करेंगे तो इंडिकेटेड पावर जो रहती है वो एक्चुअल इंडिकेटर कार्ड से आपको मिलती है ड्यूरिंग अ टेस्ट ऑन द कंप्रेसर मिलती है. इसी तरह कंप्रेसर इफिशियंसी की भी बात करेंगे तो कंप्रेसर इफिशियंसी क्या रहती है? इट इज द रेशियो ऑफ द आइसोथर्मल पावर टू द इंडिकेटेड पावर. चूंकि आइसोथर्मल पावर कम रिक्वायरमेंट रहती है और इंडिकेटेड पावर ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इसलिए इनका रेशियो जो रहता है कंप्रेसर इफिशियंसी कहलाता है. आइसोथर्मल इफिशियंसी की बात करेंगे तो आइसोथर्मल पावर इट इज रिक्वायर्ड वेरी वेरी लेस जबकि जो सॉफ्ट पावर के लिए रिक्वायरमेंट रहती है वो ज्यादा रहती है. तो ये आइसोथर्मल इफिशियंसी बन जाती है. तो सॉफ्ट पावर का मतलब होता है दैट इज द ब्रेक पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर. कितनी ब्रेक पावर की रिक्वायरमेंट है कंप्रेसर को चलाने के लिए? एडियाबेटिक इफिशियंसी की बात करेंगे तो एडियाबेटिक इफिशियंसी क्या होती है अपने पास? That is the ratio of power required to drive the compressor. कितनी power required है compressor को चलाने के लिए compared with the area of hypothetical indicator diagram.
एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए कितना एडियाबेट वर्क जो है आपका लग रहा था वो हमने निकाला था फार्मूले से, गामा अपॉन गामा माइनस वन पी वन वी वन इन द ब्रैकेट ऑफ वन माइनस पी टू बाई पी वन टू द पावर ऑफ गामा माइनस वन बाई गामा, ये आपका रहेगा एडियाबेटिक वर्क डन टू द ब्रेक पावर रिक्वायर्ड टू द ड्राइव द कंप्रेसर। तो कितनी ब्रेक पावर की रिक्वायरमेंट है इससे हम एडियाबेटिक एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैकेनिकल एफिशिएंसी की हम बात करेंगे तो मैकेनिकल एफिशिएंसी दैट इज द मैकेनिकल आउटपुट टू द मैकेनिकल इनपुट। तो मैकेनिकल जो आउटपुट है वो आपका इंडिकेटेड पावर के रूप में है और जो मैकेनिकल इनपुट है वो सॉफ्ट पावर के रूप में है, तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी आपकी कहलाती है। अब फाइनली कि आइसोथर्मल एफिशिएंसी को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास दो तीन आपके पास लॉज रहते हैं। पहला स्प्रे इंजेक्शन की बात करेंगे तो स्प्रे इंजेक्शन के द्वारा हम आइसोथर्मल की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। आइसोथर्मल की एफिशिएंसी को बढ़ाने का मतलब ये रहता है कि वहां पे जो इंटरकूलिंग कर रहे हैं वो परफेक्ट तरीके से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, वो हमें देखना रहता है। तो ऑब्जेक्ट इज टू कूल द एयर फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन, क्योंकि परफेक्ट इंटरकूलिंग होगी तो दूसरे नेक्स्ट स्टेज ऑपरेशन के लिए हम इजिली ले जाएंगे। तो डीमेरिट्स इसकी क्या है, पहली डीमेरिट्स उसकी है कि रिक्वायर स्पेशल गियर फॉर द इंजेक्शन, हमें स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती है। फिर रहता है इंजेक्टेड वाटर इंटरफेयर विद द सिलेंडर लुब्रिकेशन, ये भी एक रहता है डीमेरिट्स। डैमेज टू द सिलेंडर वॉल्व एंड वॉल्व रहता है, वाटर मस्ट बी सेपरेटेड बिफोर द डिलीवरी ऑफ द एयर रहता है, दिस इज द डीमेरिट्स ऑफ द स्प्रे इंजेक्शन। यदि हम इस तरीके से काम करते हैं तो कुछ इस तरीके से नुकसान भी हो सकता है, जिसकी कारण से कि स्प्रे इंजेक्शन को हम कम इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे हम वाटर जैकेटिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये सारी जितनी भी डीमेरिट्स आ रही थी आपकी स्प्रे इंजेक्शन में उसको हम रिमूव कर सकें। तो सर्कुलेटिंग वाटर अराउंड द सिलेंडर टू हेल्प फॉर द कूलिंग द एयर ड्यूरिंग द कंप्रेशन, दिस इज फॉर द डन इन द वाटर जैकेटिंग प्रोसेस। तो वाटर जैकेटिंग इज द एफिशियंट मेथड कंपेयरिंग टू द स्प्रे इंजेक्शन। तो दिस इज द हाउ टू इंक्रीज इफिशियंसी आइसोथर्मली। C is the intercooling for the high speed and the high pressure issue compressor के लिए आपकी intercooling जो है perfect तरीके से करने के लिए, क्योंकि हमें temperature जो है original चाहिए रहता है ताकि हम isothermal की power को कम से कम कर सकें। तो that is done by the intercooling process before entering of the next stage cylinder. Fourth one is the external fins. यदि external fins को लगाते हैं तो वो भी एक cooling process होती है, या बोलना चाहिए आइसोथर्मल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का तरीका ये रहता है, जैसा कि आपने टू व्हीलर की गाड़ियों में देखा है कि फिन्स जो है नीचे की तरफ लगी रहती है, सिलेंडर से अटैच रहती है, एल्युमिनियम की फिन्स रहती है और एयर कूलिंग के द्वारा वहां पे उसकी हम हीट जितनी भी जनरेट हो रही है उसको रिमूव करते हैं। देन फाइनली इंक्रीज करने का फाइनल जो तरीका रहता है वो सिलेंडर प्रोपोर्शन रहता है कि छोटी स्ट्रोक लेंथ और लार्ज बोर के यदि हम बनाते हैं पिस्टन सिलेंडर तो वो आपको ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे कूलिंग करने के लिए। तो सिलेंडर जो हेड रहता है वो काफी दूर रहता है पिस्टन से, वो कभी भी टच नहीं करता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि छोटे स्ट्रोक्स के और जो ज्यादा से ज्यादा उसमें थोड़ी सी गैपिंग जो होती है प्रोवाइड करेंगे तो कूलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि हम आइसोथर्मल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज द टुडे लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस